इस पूरे हफ्ते सियासत में रेड सिग्नल का दौर रहा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद जाम यानी ठप थी, राजस्थान में लाल डायरी पर सियासी संग्राम था, शोर जारी था, तो बिहार में बिजली मांगने वाली जनता को नीतीश कुमार ने की पुलिस ने खून से लाल कर दिया। लेकिन पहले बात संसद के मानसून सत्र की, 7 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन काम शायद 7 घंटे भी नहीं हुआ। तो एक और विपक्ष ने सरकार पर ब्रह्मास्त्र चलते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन का दाव चल दिया है और साथ ही काले कपड़ों में प्रदर्शन तक कर डाला है। सियासत में काले रंग का तड़का भी लग गया है, यानी सियासत का रेड लेबल और ब्लैक लेबल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समूचे विपक्ष को ललकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान वाली लाल डायरी के बहाने भ्रष्टाचार तंत्र और परिवार तंत्र का मुद्दा लेकर जनता के बीच चले गए हैं और आजाद भारत में पहली बार क्विट इंडिया का नारा लगा डाला है और कहा है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। लेकिन इसी बीच INDIA यानी उस वाले गठबंधन वाले कुछ पार्टनर्स के कारनामे सामने आए हैं जिनमें कोई हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी देने की बात कर रहा है तो कोई हिंदुओं की आस्था से जुड़े बद्री विशाल के धाम पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है वो धाम तो बाद में बना। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 4-4 पीएम कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। देखे जरा आज ये देश है हमारा, इसी विषय पर मेरा आपसे आग्रह है जी, उत्तर सभापति उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी, आज क्यों ऐसे देर हो रहा है सर? सर ये सर आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। इस पूरे हफ्ते धुआंधार सियासी दौर रहा, कहीं मणिपुर पर शोर तो कहीं लाल डायरी पर जोर रहा। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए, पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं। क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, वैसे ही आज का मंत्र है परिवारवाद छोड़ो इंडिया। इस बीच पीएम मोदी ने देश को एक गारंटी भी दी, तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच इंडिया गठबंधन वाले पार्टनर्स के कारनामे भी देख लीजिए। नंबर 1 पर हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस के बाद अब बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था, तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। उधर बिहार में लोगों ने बिजली की मांग की तो नीतीश कुमार की पुलिस ने उन्हें बिजली की जगह गोली दी और इस पर नीतीश कुमार के मंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। फरमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। और तो और अमेरिका में बैठकर जिस इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग यानी कि IUML को राहुल गांधी ने सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिया था, वो हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाने और जिंदा जलाने का ऐलान करते दिखे। राहुल गांधी जी
और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, वो एक बच्चे हैं। संसद में जब से उनकी सदस्यता गई है, संसद नहीं आ रहे हैं, तो लोकसभा पूरा सुना सुना लगता है। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, घर आप जाते हैं, तो बच्चों के कारण जो है वो हंसी खुशी किलकारी जो है गूंजती रहती है, क्योंकि बच्चे को बुद्धि तो होती नहीं है। आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गौरव भाटिया, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। आशुतोष